हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार और क्रिस्पी बनता है। एक बार आपने इस नाश्ते को मेरे तरीके से बना लिया तो ये नाश्ता आपका बहुत ही फेवरेट हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता है। तो इस नाश्ते का नाम है वेज सोया नगेट्स, आप इसे वेज चिकन नगेट्स भी बोल सकते हैं। ये 100% वेजिटेरियन है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको आज के नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए, इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सोया चंक्स ले लिया, देख सकते हैं सोयाबीन। तो कुछ इस तरीके का आपको इस्तेमाल करना है। इसे करना क्या फ्रेंड, इसे हमें पानी में भिगो करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो करके रख देते हैं। तो इसे एक बाउल में निकाल लेना है। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर गर्म पानी। अगर इसे गर्म पानी में भिगो करके रखेंगे तो ये सोयाबीन चंक बहुत ही जल्दी से फूल के सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे भीगने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए, मैं इसे छोड़ दूँगी ऐसे ही ताकि यह अच्छे से फूल जाए। और ये लीजिए कितने अच्छे से फूल चुके, इसके जो साइज है सोयाबीन के बहुत ही अच्छे से फूल के डबल हो चुके हैं, देख सकते हैं। ये पानी में भीगने के बाद जो इसके साइजेस होते हैं वो डबल तो हो जाते हैं पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम स्पॉन्जी हो जाते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। तो अब इसे क्या करना है, इसे इस तरीके से हाथों में लेना है, अच्छे से पानी इसका निकालना है, इसे एक अलग से बर्तन में रख लेना है। देखिए इस तरीके से आपको करना है, अच्छे से इसका पानी निकालना है। अगर इसका पानी नहीं निकालेंगे तो इसका जो नाश्ता होगा वो बहुत ही ज़्यादा गीला गीला सा इसका मिक्स तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से हो चुका है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे पीस के तैयार करेंगे। इसके लिए आपको ग्राइंडिंग जार ले लेना, इस जार में डाल देना यहाँ पर सोयाबीन चंक्स, इसको डाल करके इसे अच्छे से पीस के तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैंने इसे पीस लिया। इसे थोड़ा सा दरदरा फॉर्म में रखिएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, देख सकते हैं। मैंने सभी को पीस करके अच्छे से तैयार कर लिया, देख सकते थोड़ा सा दरदरा है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, साथ ही में इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच मैं यहाँ पे अदरक, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, और साथ ही में इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, साथ में 1/2 चम्मच गरम मसाला, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ उबले हुए आलू। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, इसे ग्रेट कर लिया। अब इसमें इसे क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे एक बाइंडिंग भी आएगी और ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनने वाला है। अगर आपने इस तरीके की रेसिपी को अब तक ट्राई नहीं किया तो इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है ये नाश्ता। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसके नगेट्स बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनाने। आप इसका कटलेट साइज भी दे सकते हैं या फिर इसे कुछ ऐसे भी इसको शेप दे सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं इसे शेप दे रही हूँ ताकि इसका जो लुक देखने में बहुत ही सुंदर लगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे बना रही हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं कितना परफेक्ट इसका शेप आया है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे बना लेना है, देख सकते हैं इसे। तो आप इसे कटलेट का शेप भी दे सकते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से बना के तैयार कर रही हूँ, ये देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो इसी तरीके से बाकी सभी को ऐसे ही बना करके हमें तैयार कर लेना है। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इन सभी को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए मैं यहाँ पे इसके लिए स्लरी तैयार कर लूँ। इसके लिए बाउल में ले लेना है 4 चम्मच आपको कॉर्नफ्लोर, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 4 चम्मच के लगभग मैदा। जितना आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही आपको मैदे का भी इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा नमक डालिएगा, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने इसे बढ़िया सा मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इनको मिक्स कर लेंगे और इसका परफेक्ट सा एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। स्लरी ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको बना के तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स लिया है, देख सकते हैं। तो इस नाश्ते को क्रिस्पी करने के लिए, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें सेवई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कोडिंग के लिए।
तो ये देखिए, इसे आपको क्या करना है, इसे अच्छे से थोड़ा मैश करना है, इसका चूरा बना के तैयार करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया सा आप इसका चूरा ऐसे ही बना करके इसका तैयार कर लीजिएगा कॉर्नफ्लेक्स का। इससे नाश्ता जो होगा इसका बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इस एक पीसेस लेना है आपको, इसमें अच्छे से स्लरी में डिप कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से डिप करने के बाद इसे कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में अच्छे से इसको कोट कर लेना है। ये देखिए बढ़िया सा कोट कर लीजिएगा, इससे जो नाश्ता होगा देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही क्रंची वाला टेस्ट आने वाला है इस नाश्ते में। तो ऐसे मैं यहाँ पे सभी को बना करके तैयार कर लूँगी। तो इसे भी इस तरीके से अच्छे से कोट कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें ऐसे ही सभी को बना करके बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही तैयार कर लेना है। और ये लीजिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सभी को ऐसे ही बना करके तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से बना करके फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपका मन हो तब इसे आप फ्राई करके खाइए। तो चलिए अब इस नाश्ते को फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया, आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से हीट करना है, जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाए तभी आपको इसमें पीसेस डालने, एक एक करके यहाँ पे सभी पीसेस डालते जाएंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से बढ़िया से इनको फ्राई कर लेना है। तो इस नाश्ते को क्रिस्पी करने के लिए गैस का जो फ्लेम है मीडियम कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कीजिएगा, तभी ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा सा बनने वाला है। और ये लीजिए बहुत ही अच्छे से नाश्ता फ्राई हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो बाकी बचे हुए पीसेस को बिल्कुल ऐसे ही बना के फ्राई कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे एक बैचेस बिल्कुल तैयार चुका है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। तो चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए इस नाश्ते का जो लुक है कितना ज़्यादा सुंदर, बहुत ही टेस्ट और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये हमारा वेज सोया कटलेट्स या फिर आप इसे वेज सोया नगेट्स भी बोल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनता है। देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा सुंदर, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बना हुआ है। तो एक मैं आपको एक पीसेस दिखा रही हूँ कि इसका लुक कितना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है, उसे आप क्लिक करके उसे ऑल कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।